के लिए प्रयास ठीक कर है, सकता है, ठीक है, वो समीकरण अलग रखते हैं। अभी भारत और रूस को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। मेजर जनरल एके सिवाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार को लेकर विदेश में एक्सपर्ट्स की एक राय पिछले 2-3 सालों में हमेशा निकल कर आई, उसमें डिफर लोग करते हुए नहीं दिखाई पड़े। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी जो भारत को एक नीति पर लेकर चल रहे हैं और उसके साथ उनकी एक विदेश नीति है, ये विदेश नीति भारत की कभी मिक्सअप नहीं होती, वो विदेश नीति उसी तरह से चलती है जिस तरह से उसे चलना चाहिए, इसके लिए वो सरप्राइज करने वाले भी फैसले लेने से हिचकते नहीं है। तो ये जो मुलाकात होने जा रही है, जाहिर सी बात है इस मुलाकात के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर भी होंगे, और डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार यूरोप को लताड़ लगाते हुए यह भी कहा था कि यूरोप तो यह सोचता है कि यूरोप की परेशानी पूरे विश्व की परेशानी है, लेकिन बाकी देशों की परेशानी उनकी अपनी परेशानी है, इस माइंडसेट से निकलना होगा। भारत और रूस के इन दो वरिष्ठ नेताओं की यह मुलाकात भविष्य के लिए कौन कौन से दरवाजे खोल सकती है? मेजर जनरल सिवाज, हम देखो सच्चाई यह है कि आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो काफ़ी अलग है, उसके अंदर दो बहुत बड़े पहलू बन के आए हैं। एक तो कहीं ना कहीं रूस, चीन और उसके साथ ईरान और नॉर्थ कोरिया है, और दूसरी तरफ अमेरिका और बाकी नेटो यूरोपियन कंट्री। भारत ने एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा किया है। भारत के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका की हम को जरूरत है, हमें अमेरिका की जरूरत है। अगर हमने इंडो पैसिफिक के अंदर या चीन के साथ मुकाबला अपने बॉर्डर पे करना है तो ऐसे में आधुनिक हथियार लेना, इंटेलिजेंस शेयर करना और बाकी जो ट्रेड है उसके लिए अमेरिका बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर हम कभी नहीं भूल सकते भारत और जो रूस है उसके रिलेशनशिप आज नहीं 1971 से है जब फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। कौन भूल सकता है कि जिस प्रकार से रूस ने भारत की मदद की थी 1971 की लड़ाई में जी। मगर ये भी सच्चाई है कि अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 2-3 हैं रूस के साथ। एक तो हम वहाँ पर 35% ऑयल ले रहे हैं, जो किसी ज़माने में हम 28% ईरान से लेते थे, जब काटसा के मद्देनज़र हमको 0% करना पड़ा, मगर हम ईरान से 3% लेते थे डिस्काउंटेड रेट पर, 32% ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम रूस से अभी भी 40-50% के करीब हथियार लेते हैं, और हमारे जो हथियार पहले आए हुए हैं रूस से उसके स्पेयर पार्ट्स भी वहीं से आते हैं, अम्यूनिशन भी वहीं से आता है। तो भारत और रूस के रिलेशनशिप में हरदम ही गर्मी रहेगी और आपस में बहुत ज़रूरी है। और तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि एक एनर्जी और के बीच में भारत और रूस के अंदर एक तालमेल हो, जिससे हम एक प्रकार से कंटिन्यूस एनर्जी, गैस, ऑयल ले पाएँ रूस से आने वाले समय में, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मगर ये भी सच्चाई है, भारत ने एक बहुत ही न्यूट्रल पक्ष अपनाया है रूस यूक्रेन लड़ाई में, और भारत ने एक प्रकार एक ये कहना पड़ेगा कि यूं तो भारत ने न्यूट्रल स्टैंड लेते हुए भी समरकंद जो कि एससीओ मीटिंग थी उसके साइडलाइन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ही एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पुतिन की आंखों में आंखें डाल के बोला था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, तो ये लड़ाई का वक्त नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति वार्ता करनी चाहिए और इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो ये भी सच्चाई है कि भारत किसी की तरफ नहीं है, भारत शांति की तरफ है, भारत बातचीत की तरफ है, मगर ये सच्चाई है भारत और रूस के जो रिलेशनशिप है उनको हमें देखना है तीन पहलुओं से, हमने डिफेंस से देखना है, इकोनॉमी से देखना है और डिप्लोमेटिकली देखना है, और तीनों में अगर आप देखें हमारी जो है बहुत ही एक प्रकार कंटिन्यूस रही है डिफेंस, इकोनॉमी और डिप्लोमेटिकली, ये तीन आपने जो पहलू जिसमें इन संबंधों को देखा जाना चाहिए, मुझे कहने में हिचक नहीं कि तीनों ही पहलू ऐसे हैं जो आज के दौर में तलवार की धार पर चलने जैसे हैं, और भारत सरकार अब तक बैलेंस बनाकर चल रही है और उसने खुद को भी घायल नहीं किया। सौरभ जी, मैं आपके पास आता हूं, जब ये मुलाकात होगी जाहिर सी बात है चाय पीने के लिए तो प्रधानमंत्री वहां जा नहीं रहे हैं, और अगर वहां मुलाकात व्लादिमीर पुतिन अपना समय निकाल रहे हैं तो कुछ वर्ल्ड ऑर्डर, कुछ रणनीतिक दृष्टिकोण से बातें होंगी। भारत से क्या उम्मीद करेगा रूस,
और रूस से क्या उम्मीद करेगा भारत इस बात को देखते हुए कि रूस कई तरह के प्रतिबंधों के दायरे में है? रूस के साथ सबसे अभी बड़ी समस्या है कि रूस को एक नए एक्सिस के रूप में देखा जाने लगा है, जिसमें वो बिल्कुल अमेरिका विरोधी और यूरोप विरोधी के रूप में उसे खड़ा कर दिया गया है। जहां G8 के समय की दौर था या यूक्रेन से पहले का, सभी एक साथ धीरे धीरे मिलकर एक विश्व व्यवस्था को एक नए विश्व व्यवस्था की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन अचानक इस यूक्रेन युद्ध ने रूस को बिल्कुल एक विरोधी पुराने वाले रूस के रूप में खड़ा कर दिया है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों देश जो भारत और रूस हैं, जैसा कि शिवाज सर ने भी बताया कि बड़ी चीज है कि जो डिफेंस और एनर्जी हमारा है वो हमारा एक कंटिन्यू रहे, और भारत सबसे जरूरी चीज चाहेगा कि हमें एनर्जी पर जो छूट मिलती रही है वो बरकरार रखी जाए। साथ ही जो हमें चीन के साथ की जो स्थिति है, देखिए अभी हमारी जो देश की जो स्थिति है वो एक तरफ एनर्जी की स्थिति है, एनर्जी की हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी रहे, हम तेजी से ग्रोथ 8+ हम ग्रोथ लगातार इस प्रतिकूल विश्व व्यवस्था में भी भारत ही एक ऐसा देश है जो बनाए रखे हुए है, तो उसके लिए हमें चीप एनर्जी की लगातार आवश्यकता बनी रहेगी। दूसरी चीज हमारी सिक्योरिटी की बनी रहेगी, क्योंकि ये जो विश्व व्यवस्था है सो अनस्टेबल भी है, तो चाहेगा भारत कि रूस और इसमें ज्यादा से ज्यादा लगातार अपना सहयोग करता रहे, और इन दोनों चीजों से जो अमरीकी प्रतिबंध है उसे काफी कम करने में मदद मिलेगी। हाँ, अब अमेरिका रूस चाहेगा भारत से कि वो जो यूनाइटेड नेशंस में है जो उसकी चीज है सो भारत उसमें उसकी मदद करे, पहली चीज। यूक्रेन के साथ यदि वो पीछे से भी भारत कुछ यदि संभव हो सकता है तो भारत इसमें वो देश है जो यहाँ पे वो उसे दूर करने में सहायक हो सकता है। साथ ही साथ जो ये बिल्कुल जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो यूक्रेन की जो अभी स्थिति बनी हुई है उसमें भारत एक ऐसा देश के रूप में आ सकता है जो दोनों और दोनों देशों के साथ साथ अमेरिका को भी एक टेबल पे लाने में सक्षम है, और इसका कोई रूस के को भी एक ऑनरेबल एग्जिट मिल सके। साथ ही साथ जो नाटो में जो नए कंट्रीज की शामिल होने की बात ही चलती है, जो रूस बार बार कह रहा है कि हमें और आपने हमारी सिक्योरिटी को आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज किया है, तो उस पर भी वो एक यूक्रेन से एक लिया जा सकता है कि उस पर भी वो विचार करे और शांति के साथ बैठे। तो फिलहाल जो स्थिति है वो एनर्जी और प्लस सिक्योरिटी के साथ साथ जो ये देश है उसमें उसको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मेजर जनरल सिवाज, ये जो दौरे होते हैं, जब बड़ी शख्सियतों के दौरे होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, व्लादिमीर पुतिन हुए, इमैनुअल मैक्रों फ्रांस से हो गए, या फिर जो बाइडेन अमेरिका से हो गए, ये जो बड़े नेता होते हैं जब इनके दौरे होते हैं, उनके दौरे से पहले ही डिप्लोमेटिकली बैक स्टेज वो सारी चीज़ें तय हो चुकी होती हैं जिन पर बात होनी है, या वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज़ें तय की जा चुकी होती हैं। शायद पहले NSS के बीच में भी मीटिंग हो चुकी हो, या एस जयशंकर ने अपने काउंटर पार्ट से इस बारे में बात कर ली हो। आपको लगता है कि इस दौरे के बाद हम काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी देखने वाले हैं जो अब तक सामने नहीं दिखी, और शायद भारत और रूस कहीं ज्यादा नजदीक आते दिखे, इस बात को अलग करते हुए कि रूस चीन और उत्तर कोरिया के नजदीक जाकर एक अलग ध्रुव बनाने की तैयारी कर रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है, हमें बहुत प्रैक्टिकल रहना है, इसमें कोई शक नहीं। भारत के जो रिलेशनशिप हैं वो अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हैं, और नेटो कंट्री से इसी प्रकार रूस से भी बहुत अच्छे हैं, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम किसी के मिलिट्री अलायंस में नहीं, ये बात हमें समझनी चाहिए। इसीलिए कि क्या है कि हम हरदम वो कर सकते हैं जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में हो। जब भारत और रूस के रिलेशनशिप की बात आती है तो हमें उसको एक प्रकार स्टैंड अलोन में नहीं देख सकते, हमें देखना है तीन पहलू जो मैंने बताए थे कि अगर हम डिफेंस देखें तो 40-50% अभी भी हमारे हथियार आ रहे हैं, और हमने जो F-400 लिया उसके ऊपर अभी तक कारसा नहीं लगाया अमेरिका ने, अब हम F-500 की भी बातचीत करने के तैयार हैं, SU-57 की भी बातचीत है, स्पेयर पार्ट्स की भी बात है। उसके बाद एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना है, रूस यूक्रेन लड़ाई जब से स्टार्ट हुई है तब से हमने जो 3% से 32% डिस्काउंटेड रेट पर ले रहे हैं, रूपी रूबल वाले उसमें ले रहे हैं, जबकि रूस को रूपी की प्रॉब्लम है, उसको रुपी का कहेगा क्या ये बात आई है, मगर फिर भी वो हमारी सहायता कर रहा है। तीसरा सब
चीज है कि आज वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक ऐसा देश है जिसकी मित्रता सभी से है, और इसीलिए एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है भारत रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास लड़ाई में, क्योंकि हर देश भारत का एक प्रकार कुछ पता नहीं सर, जो कयास आप लगा रहे हैं, जो बातें आप जैसे एक्सपर्ट लोग जो कि जिनका एक लंबा अनुभव है जो आप लोग सामने रख रहे हैं वो तो अलग, लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री की व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात रूस यूक्रेन जंग की आग को ठंडा करने में कामयाब होगी? और अगर ऐसा हो जाता है तो ये दौरा विश्व इतिहास में याद करने लायक जरूर होगा। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल ए.के. सिवाच आपका और सौरभ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन आज है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम का आपका हल्ला बोल हो रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए।